नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी उम्मीद करता हूं काफी ज्यादा अच्छे होंगे जैसा कि आपको पता है कि जिम्बाब्वे और नैदरलैंड के बीच में तीसरा ओडीआई मैच होने वाला है और अगर आप भी इस ओडीआई मैच की मेगा ग्रेंडली की टीम बनाना चाहते हो जो कि आपको अच्छा खासा विनिंग करके दे सके तो इस वाली वीडियो को पूरा जरूर देख लेना क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन सारे खिलाड़ी में से कौन से खिलाड़ी ऐसे होंगे जो कि फ्लॉप होने वाले हैं और कौन से खिलाड़ी ऐसे होंगे जो कि आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस करके देने वाला है और उनसे भी बेस्ट खिलाड़ी कौन से होंगे जो कि सीवीसी होंगे और साथ ही साथ

जबरदस्त है यानी कि जो नीदरलैंड का जो खिलाड़ी है वो जिम्बावे के सामने काफी तगड़ी परफॉर्मेंस करता है और जिम्बावे का जो खिलाड़ी है वो नीदरलैंड के सामने काफी अच्छे परफॉर्म करता है यानी कि कहा जाए तो ये ये दोनों खिलाड़ी आपके लिए ये वाले वाले मैच के अंदर काफी ज्यादा होने हैं तो आपको इन दोनों खिलाड़ी को लेके चलना है जिसका नाम यहाँ पे एडवर्ड और मंडांडे ये दोनों के दोनों खिलाड़ी आपको लेना है आपकी टीम के अंदर दोनों ही जबरदस्त होने वाले हैं अभी बात करते हैं बैटिंग वाले सेक्शन की बैटिंग वाले सेक्शन में आपके लिए कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ

ये रिक्स ज्यादा हो जाएगी तो आपको सीवीसी नहीं बनाना है बाकी इनको आप चाहो तो अपनी टीम के अंदर ले सकते हो बाकी आप जो जिम्बावे के, के पूरे -पूरे बैटिंग तो जो जो पूरी -पूरी तो सेक्शन से एक खिलाड़ी को लिया है जो कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो अब यहाँ पे बात करते हैं नीचे से आपको एक खिलाड़ी और लेना है जिसका नाम यहाँ पेडा मुनरू आप इनको अपनी टीम के अंदर ले सकते हो क्योंकि इनका भी परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त आने वाला है और ज्यादातर

आप भी चाहो तो इन तीन खिलाड़ी को ले सकते हो क्योंकि जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है तीन वो यही होने वाले हैं बाकी फ्लोप ही जाने वाले हैं अब यहाँ पे बात करते हैं ऑलराउंडर वाले सेक्शन की ज्यादा जो इम्पोर्टेंट प्लेयर हमको देखने को मिलेंगे वो यहाँ पे ऑलराउंडर वाले सेक्शन से ही होने वाले हैं क्योंकि ऑलराउंडर वाले सेक्शन में जो मेन इंपोर्टेंट खिलाड़ी है दोनों टीमों के वो ऑलराउंडर वाले सेक्शन से ही है जिनमें से ऊपरी ऊपर आपको अक्कर देखने को मिल जाते हैं नीदरलैंड की तरफ से काफी जबरदस्त खिलाड़ी है यानी कि जिम्बावे के सामने इनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी जोरदार है तो यहाँ पे मैं अक्कर को लेने वाला हूँ आप भी

स काफी जबरदस्त है और इनकी जो फॉर्म है वो काफी जबरदस्त चल रही है तो हम इनको अपनी टीम के अंदर लेने वाले हैं नीचे हो तो आपको एक खिलाड़ी और देखने को मिल जाएंगे जिसका नाम यहाँ पे एस अहमद है ये भी काफी जबरदस्त प्लेयर है और इनकी फॉर्म काफी जबरदस्त चल रही है अभी ओडीआई मैच वाली सीरीज के अंदर तो भाई ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है भले ये स्पिनर है लेकिन काफी जबरदस्त प्लेयर है तो हम इनको ट्राई करने वाले हैं आप भी चाहो तो इनको ले सकते हो अब यहाँ पे मैं केवल एक प्लेयर और लेने वाला हूँ और वो है यहाँ पे मुजरबानी को लेने वाला हूँ यानी कि जो तीन प्लेयर है यहाँ से मैं लेने वाला हूँ बोलिंग सेक्शन से अब यहाँ पर आप देख ही सकते हो हमारी

वाली वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस वाली वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं मिलते हैं नई वीडियो में तब तक टाटा बाय बाय